सो हे फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग धर्मेंद्र टेक। तो होप्स आप सभी लोग वेल एंड फाइन होंगे गाइस। तो गाइस, मैं आप सभी के लेकर आ गया एक और नया एक्साइटिंग वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माउस के बारे में। तो उसको करेंगे अनबॉक्स और देंगे एक अच्छा सा रिव्यू कि कैसा है और चलने में कैसा है माउस, और थोड़ा सा आरजीबी वाला है तो देखते हैं उसकी लाइटिंग वाइटिंग कैसी आती है। और मेरे को इसको यूज़ करते हुए अप्रॉक्स एक महीने से ज़्यादा हो गया, तो मैं अपना रिव्यू दूंगा आपको अच्छे से कि मेरे को कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसका एक महीने में। और सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग ही देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं इस पैकेज को खोलता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए इसको ऑल पर। तो जैसे कि हमने अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी है, तो दोस्तों माउस हमारा आ चुका है बाहर। तो अभी माउस का डब्बा आया, माउस नहीं आया है, माउस को भी निकालते हैं जल्दी से। तो देखते हैं दोस्तों माउस को कैसा कैसा माउस है। तो कुछ नहीं है, सिंपल खाली बॉक्स है और खाली बॉक्स में माउस है। माउस को बस एक अच्छा सा रैप किया हुआ और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई मैनुअल कुछ भी नहीं है। और ये देख सकते हैं माउस है। तो आप इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करते हैं, उससे पहले आप इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आप इसके इंजॉय कीजिए। तो नाउ दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों ने अनबॉक्सिंग देख ली है, तो हमारा जो माउस है ये रेड गियर कंपनी का माउस है जो, और ये जो मेरा पुराना कीबोर्ड है जिसकी वीडियो आपने देखी होगी पहले भी, अगर नहीं देखे किसी ने तो मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा, तो आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं आई बटन से। एंड दोस्तों, ये वो भी मेरा जो लैपटॉप कीबोर्ड था वो भी रेड गियर का ही था, एंड ये जो मेरा माउस है अभी ये भी रेड गियर का ही है। तो अगर बात करूँ मैं इसके रिव्यू के बारे में, तो काफ़ी अच्छा माउस है, पकड़ने में थोड़ा सा बल्की सा है बट फिर भी स्टिल काफ़ी अच्छा माउस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। एंड अगर बात करें इसके कुछ फंक्शंस की, तो उसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। नाउ दोस्तों, ये है हमारा माउस। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये नॉर्मल बटन ही है हमारे लेफ्ट और राइट क्लिक, और दिस साइड बीच में वाला अपना रोलर। एंड दोस्तों, इसके साथ हमको कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिया जाता है। एक तो ये साइड में दो बटन्स हो गए और एक ही ऊपर दो बटन्स हो गए। इनका क्या फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपने पेज खोला हुआ है, या फिर अगर आप कोई फोल्डर खोल कर बैठे अपने पीसी का, तो आपको बैक करना है, तो आपको वहां से जाकर बैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बटन को दबाएंगे, जैसे कि आप देखिए वेट, तो अगर आप ऐसे यहीं से इस बटन को दबाएंगे तो आप प्रीवियस पेज में आ जाएंगे, और जैसे ही आप इस आगे वाले बटन को दबाएंगे तो फिर से आप उसी पेज पर चले जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, उसी पेज पर आप वापस चले गए हैं। तो ये तो काम हुआ इन दोनों बटन का, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ इन जो दो ऊपर वाले बटन दिए हैं इनका क्या काम है। तो इससे तो सबस्ट्री, तो एक आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, बट ये परमानेंट नहीं कलर चेंज होते, वैसे ही टाइम के लिए चेंज होते हैं। देखिए ऐसे करके फिर से ब्लिंक करके फिर से वही कलर स्टार्ट हो जाएंगे, मल्टी कलर स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए फिर से मल्टी कलर स्टार्ट हो गए। बट इससे होता क्या है कि आपके जो कर्सर की स्पीड है वो स्लो और फास्ट होती है। जैसे कि अभी देखिए पीछे वाले बटन से स्पीड स्लो होगी। अभी देखिए मैं इसको ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ और इसकी स्पीड देखिए कितनी स्लो है। और जैसे ही आप इसको आगे वाले बटन को दबाएंगे, तो अभी देखिए अभी मैं उसी स्पीड से हिला रहा हूँ और अभी देखिए कर्सर। तो इससे आप क्या है कि अपने कर्सर की जो है स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों कुछ नहीं है, बाकी सिंपल जैसे हमारे माउस होते हैं वैसा ही माउस है। और अगर आपको ये माउस अच्छा लग रहा है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी इसकी अगर बात करें ग्रिप व्रिप की, तो काफ़ी अच्छी ग्रिप है, और आपको इसको अगर कोई गेम्स वगैरह खेलता है तो उसको गेम्स वगैरह खेलने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आप इसके जो बटन्स एक्स्ट्रा बटन्स हैं इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ताकि आपके गेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकेगा, ठीक है जी। तो ये वायर्ड माउस है जैसे कि आपने देखा ही अनबॉक्सिंग में। तो अगर जो भी कोई इसको परचेज करना चाहता है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उसको चेक कर लीजिए। एंड दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ इस माउस के बारे में, कि अगर आप इसके एक्स्ट्रा फीचर्स को अगर आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। सो दोस्तों, अगर आप किसी इसके एक्स्ट्रा फीचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको
YouTube पर जाकर दिलविंदर टेक सर्च करना होगा और इस रेड बटन को आपको ग्रे कर देना होगा और इसी साथ ही साथ इस बेल आइकन को हिट कर इसको ऑल पर कर देना होगा, जिससे आप इस माउस के एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं उसको आप एक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों यही था हमारा आज की वीडियो में, हमने इस माउस के बारे में बात की। अगर आपको ये माउस अच्छा लगा है तो आप जा सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर टैप कर और इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको ये माउस अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अच्छी और बुरी बात क्या लगी इस वीडियो में। और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को हिट करके उसको कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।